नामवर टीवी मेजबान आफ्ताब इकबाल ने अदाकार मेजबान और कॉमेडियन सुहेल अहमद से झगड़े को जाती मामला करार दे दिया। आफ्ताब इकबाल और सुहेल अहमद दो ऐसी लेजेंडरी शख्सियत हैं जो पिछले कुछ दिनों से खबरों के शह सुर्खियों में हैं। अहमद अली भट्ट के ईद स्पेशल पॉडकास्ट में आफ्ताब इकबाल पर सुहेल अहमद के जारहाना तबसरे के बाद दोनों ही मौजूद बहस बने हुए हैं। पॉडकास्ट में मेजबान अहमद अली भट्ट सुहेल अहमद से अमानुल्लाह और उनके बारे में आफ्ताब इकबाल की राय तलब की थी, जो सुहेल अहमद को पसंद नहीं आई और इन दोनों शख्सियात के दरमियान लफ्जी तकरार शुरू हो गई। बांध अजा ये जंग महज इन दोनों शख्सियात पर ही महदूद न रही बल्कि उनके मद्दाहों के दरमियान भी शुरू हो गई। उनके चाहने वालों ने एक दूसरे को ताने देना और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। साथ ही सुहेल अहमद के मद्दाहों ने आफ्ताब इकबाल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मद्दाहों की जानिब से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग जारी थी कि आफ्ताब इकबाल ने एक और वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने अपने मद्दाहों और फॉलोअर्स से सुहेल अहमद को ट्रोल करना फौरी तौर पर बंद करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि मेरे और सुहेल अहमद के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है वो दोनों भाइयों का मामला है और हो सकता है कि हम मुस्तकबिल में भी इस तरह के झगड़ों में पड़ जाएं, लेकिन ये हमारा जाती मामला होगा और इसमें किसी को भी ट्रोल करने की इजाज़त नहीं है। आफ्ताब इकबाल ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या आप नहीं जानते कि वो किस किस्म का अदाकार है। जो कोई भी सुहेल अहमद को ट्रोल कर रहा है समझ लें कि वो कवि खान को ट्रोल कर रहा है। उन लोगों ने कई दहाइयों तक अपने कमाल हुनर से पाकिस्तान की खिदमत की है। उनका मजीद कहना था कि लोगों ने तौहीन आमेज जबान इस्तेमाल की है और अपनी राय के इजहार में हद पार कर दी है, जो कि नाकाबिले कबूल है।